हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में, चैप्टर नंबर 9 खुड़क चतुष्पाद अध्याय। देखिए सबसे पहले यह है क्या खुड़क। देखिए खुड़क का मतलब आपको बेसिक मीनिंग आना चाहिए। खुड़क का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षिप्त में, शॉर्ट शब्दों में। आगे लिखा हुआ है चतुष्पाद की, जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं जिसके अंदर विषक द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इनको बहुत ही संक्षिप्त रूप में, फॉर्म में यहाँ पर गिवन है। अब देखिए इसके अंदर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट 11 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इसमें आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका एक्सट्रैक्ट निकल कर आ जाएगा। सीधे ले चलता हूँ आज का क्वेश्चन नंबर 1। पाद चतुष्टय कंसिस्ट हाउ मेनी गुण। पाद चतुष्टय कितने गुण रखता है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के आपको 5 सेकेंड दूंगा। इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर बता देना है, अपने मन के अंदर सोच लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। अब देखिए पाद चतुष्टय कंसिस्ट हाउ मेनी गुण, इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 1, 14, 15, 18 और 16। बताइए तो इसका हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 16। देखिए 16 कैसे, मैंने आपको बताया था कि भिषक द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ये चार चतुष्ट हैं। तो एक जो चतुष्ट होता है उसकी चार क्वालिटीज होती हैं, वो चार गुण रखता है। इसका मतलब जो चार चतुष्ट हैं वो कितने क्वालिटीज रखेंगे, 16। तो इसलिए हम मैं बोल सकता हूँ कि पाद चतुष्टय है वो 16 गुण रखता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चतुष्क चार गुण रखता है, तो चार चतुष्क 16 गुण रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए गुण ऑफ उपस्थाता। कौन सा एक ऐसा गुण है जो कि उपस्थाता की प्रॉपर्टी नहीं है, उसका गुण नहीं है। आपके लिए बता दूं, उपस्थाता आप अटेंडेंट या फिर परिचारक को बोलते हैं। बताइए तो इसका आंसर होगा डी, ज्ञापकत्वम। देखिए ज्ञापकत्वम जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो होता है आपके रोगी का, पेशेंट का, ज्ञापकत्वम। इसके साथ साथ आप देखिए दक्ष इंटेलिजेंट होना चाहिए, सोच, क्लियरनेस ऑफ इंटरनल एसएसएल एक्सटर्नल, वो अंतर और बहिरूप से दोनों से साफ होना चाहिए उसकी थिंकिंग। अनुराग का मतलब एफ्रैक्शन टूवर्ड्स द पेशेंट या रोगी के प्रति उसको प्रेम होना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी रोगी की होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुण ऑफ भिषक। कौन सा भिषक का गुण नहीं है, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी ऑप्शन, उपचारज्ञत्व। क्या होता है, नॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है परिचारक की, एक अटेंडेंट की, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अंदर भिषक की प्रॉपर्टी में आपका दक्ष इंटेलिजेंट होना चाहिए, नो डाउट। सोच मैंने आपको बताया कि क्लियरनेस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। इसके साथ साथ बहुसो दृष्ट कर्मता, एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कहने का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही चाहिए, तो वो एक वैद्य का होता ही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है। देखिए इसी से रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और यकीन मानिए इसी में से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको ये इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आज हम फर्स्ट पार्ट को निपटाएंगे, जिसके अंदर हम 11 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम माइल्ड क्वेश्चन और इसके बाद में हार्ड क्वेश्चन, इसकी सीक्वेंस वाइज हम जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी हमने अभी बात की, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपका कि उपचारज्ञत इज द गुण ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। उपचारत्व किसका गुण होता है, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर इसके अंदर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए
ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि उपचारगत का मीन्स होता है नॉलेज ऑफ नर्सिंग, और नॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है वो गुण होता है एक परिचारक का, एक अटेंडेंट एक परिचारक, इसकी प्रॉपर्टी होती है वो, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है ये एक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोलता है, ये भी बहुत ही वैद्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ वैद्य, वैद्य का कौन सा गुण नहीं है बताइए। तो इसका ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञापक है, क्योंकि ज्ञापक है आपकी प्रॉपर्टी होती है रोगी की, पेशेंट की। अब देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं ऑप्शन से रिवर्स क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हमें इसका अर्थ तो आना ही चाहिए। पर्यवदात्वम इसका सही मीनिंग होता है, पर्यवदात्वम इसका मतलब एक्सीलेंट नॉलेज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं से वैद्य को नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सभी दिशाओं से, मतलब मेरा ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई आप किसी बफेलो के सामने खड़े हैं, तो आप बफेलो के सामने खड़े हैं तो आपको उसके सामने से उसके सींग दिख रहे हैं, यदि पीछे खड़े रहेंगे तो उसकी टेल दिखेगी छोटी है बड़ी है, यदि आपके साइड में खड़े रहते हैं तो उसकी थिकनेस का पता चलता है। तो एक वैद्य है वो भी उसी प्रकार से सभी दिशाओं के अंदर, सभी डायरेक्शन के अंदर उसको नॉलेज होना चाहिए पेशेंट का। तो इसलिए यहाँ पर शब्द गिवन है पर्यवदात्वम, तो इसका मीनिंग ये होता है और ये प्रॉपर्टी होती है आपके वैद्य की, ठीक है। इसके साथ साथ आप दक्ष जानते हो कि बुद्धिमान इंटेलिजेंट होना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, मूव ऑन करते हैं, वो भी उपस्थाता से रिलेटेड क्वेश्चन है। उपस्थाता अटेंडेंट जिसको परिचारक बोलते हैं। अब देखिए विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ उपस्थाता, कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि उपस्थाता की नहीं है बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर होने वाला है। संपन्न, मैंने आपको बताया था कि संपन्न जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो आपकी होता है द्रव्य, जिसको मेडिसिन बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है संपन्नम। इसमें आप देखिए सेकंड ऑप्शन अनुराग अफ्रेक्शन टूवर्ड्स द पेशेंट, पेशेंट के लिए एक अफ्रेक्शन होना चाहिए, उसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो मेडिकल फील्ड की प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी रूप से हो पाए। सूची मैंने अभी आपको बताया कि क्लीननेस एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली वो होना चाहिए, दक्ष बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, इसी क्रम के अंदर क्वेश्चन नंबर सेवन, जो इसमें वैद्य और उपस्थाता दोनों के बारे में बताया गया है कि विच प्रॉपर्टी आर सेम ऑफ वैद्य एंड उपस्थाता, कौन सी ऐसी गुण है जो कि आपके वैद्य फिजिशियन और उपस्थाता अटेंडेंट दोनों के अंदर सेम होता है बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड डी। देखिए इसको क्वेश्चन को समझिए आप, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि वैद्य दक्ष दोनों ही दक्ष होने चाहिए, दक्ष इंटेलिजेंट दोनों ही होने चाहिए, इसके साथ साथ सूची पवित्रता क्लियरनेस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली उनकी सोच के ऊपर भी दोनों में सेम होनी चाहिए, किस लेवल में, दक्ष और सूची में। हालांकि हमारी चरक संहिता में ऐसा गिवन है कि वैद्य प्रधान होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिशियन उसको प्राथमिकता दी जाती है, सबसे पहले दी जाती है, लेकिन ये जो दो प्रॉपर्टी हैं दक्ष और सूची, ये दोनों प्रॉपर्टी वैद्य और उपस्थाता दोनों की सेम ही होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर एट, विच प्रॉपर्टी इज ओनली हैव वैद्य, कौन सी प्रॉपर्टी है जो केवल और केवल वैद्य ही रखता है, तो इसके अंदर देखिए बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दृष्ट कर्मता,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दृष्टकर्मता। देखिए दृष्टकर्मता सबसे पहले होता क्या है, दृष्टकर्मता का मतलब होता है एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप सीधे सीधे तौर पर मान सकते हैं कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेडिकल फील्ड का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो एक वैद्य के लिए, एक फिजिशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक यूनिक करैक्टर होता है, वो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ इसमें दक्ष, अनुराग, सूची, ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि दक्ष और जो सूची है, दक्ष और सूची ये दोनों रखते ही हैं, दक्ष और सूची वैद्य और उपस्थाता दोनों के अंदर कॉमन होती है। इसके साथ साथ अनुराग उपस्थाता के अंदर होता ही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन, इसको रिवर्स करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उपचारगत इज द गुण ऑफ फॉलोइंग, तो इसके अंदर आपका परिचारक, ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 10। विच प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ उपस्थाता, कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि उपस्थाता की नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा संपन्नम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था, संपन्नम ऑप्शन नंबर ए। संपन्नम एक प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी द्रव्य या मेडिसिन की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने ऊपर क्वेश्चन में बता दिया है आपको। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो देखिए विच प्रॉपर्टी इज द सेम ऑफ वैद्य एंड उपस्थाता, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताए। तो ये ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चन, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करने ही हैं। यदि आपको इनमें से कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपका जितना जल्दी हो सके आपका कमेंटों का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप इस जो चैप्टर में जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए, आप उसकी चरक संहिता का 9 नंबर का लेसन आप उसको खोल के याद कीजिएगा, उसमें आपको ये सभी क्वेश्चनों के आंसर और भी डिटेल रूप से मिल जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।